Good morning, students. So we will continue with the revision of the MCQs. So yesterday we were doing the question from linear equation, sum of the digit and its reverse. Is it clear? समझ आ गया था वो? तब लिखो. लिखना नहीं है, सुनना है. ऐसे ही लिखो. The sum of a two-digit number and its reverse. The sum of the two digit number and its reverse. The sum of a two digit number and its reverse is 100. Equation banaiye. The sum of a two digit number and its reverse is 100. Make a linear equation. इक्वेशन बनानी बनाओ क्या है टू डिजिट नंबर क्या है ओरिजिनल नंबर क्या है ये न्यू फैशन है चलो कल रिमूव मंडे को रिमूव करके आना हाँ कोई बात नहीं अब तो अब छुपाने से क्या इट्स ओके क्या हो गया नित्या बन गई क्वेश्चन पूरी इक्वेशन बताओ मुझे एंड वाली गलत है ऐड नहीं करना इनको 11x गलत है 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 100 कॉमा बोला था नहीं हाँ जी दिव्या आपका बनना था पांचवी यूनिट्स प्लेस पे हम लेते हैं नंबर सपोज एक्स टेंस प्लेस पे हमने लिया वाई तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर एक्स इनटू वन टेन इनटू वाई दिस इज द ओरिजिनल नंबर What it will be? X plus 10y. The reverse number is very easy. X ke saath 10, y ke saath 1. Right? Question hai, the sum of the number and its reverse is 100. Means jo humara number hai, aur jo uska reverse hai, dono ka sum kya hai? 100. 10x plus x is 11x. 10y plus y is 11y is equal to 100. Okay. अच्छा ये सुनो सिर्फ in a match in a cricket match between India and England in Kanpur two Indian batsmen युवराज एंड एम एस धोनी स्कोर 200 रन्स इन अ पार्टनरशिप इंक्लूडिंग 5 एक्स्ट्रा रन्स समझ आ गई बात दोनों ने कितने रन बनाए 200 रन की पार्टनरशिप थी इंक्लूडिंग 5 रन्स एक्स्ट्रा एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन दोनों की पार्टनरशिप में 200 स्कोर थे इंक्लूडिंग 5 मार्क्स एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाओ एक मिनट आप लोग कलेक्टिव आंसर क्यों देते हो मुझे सारे एक्स प्लस वाई बोलो दिव्यांशी यस इतना नहीं रेणु का सोचना है इतना लिखना भी नहीं है रिवीजन कर रहे हैं ठीक है मान लो रोहित जो भी है उसने एक्स रन बनाए धोनी ने वाई दोनों की पार्टनरशिप में रोहित लीडर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है दोनों के पार्टनरशिप में 200 रन्स बने बट 5 रन्स एक्स्ट्रा मींस दोनों के स्कोर प्लस 5 मिलाकर 200 नहीं दे मेड 200 हां दे मेड 200 स्कोर इन अ पार्टनरशिप
जितने इसके स्कोर थे, जितने इसके स्कोर थे प्लस 5 वाइड हो गई, ये हो गया, ठीक है ना, बॉल वाइड हो गई। वो किसी की गलती, वो किसी का मान लो किसी के उसमें नहीं आएगी क्रेडिट में, वो एक्स्ट्रा रन हो गया, ऐसे समझ आ गई बात। हाँ जी युग मैम, x plus y is equal to 200 minus 5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, जो मर्जी करते जाओ। ठीक है मैम। मैम गलत है वो? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है युग। नहीं मैम आपने कहा ना जो मर्जी करते जाओ, मतलब कहने का मतलब कि x plus y is equal to 200 minus 5 कर दो, 200 minus 10 plus 5 कर दो, मतलब यही होना चाहिए इक्वेशन। बिल्कुल ठीक है, you are correct. Okay. ठीक है जी। अब एक सुनो, determine the point on the graph of the linear, इक्वेशन लिखो 2x plus 5y is equal to 19 आ गई। ये मैं कहूँ आई क्यों नहीं? हाँ आ जाओ जी, सुनो, दिस इज एन इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड, हेलो उसका वेलकम बाद में कर लेना, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन दिस इक्वेशन हुज ऑर्डिनेट इज 1.5 टाइम्स एब्सिसा, हुज ऑर्डिनेट इज 1.5 टाइम्स एब्सिसा। पॉइंट निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। वो देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो, डिटरमिन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज ऑर्डिनेट इज 1.5 टाइम एब्सिसा। हाँ पॉइंट वन एंड हाफ एक्स। नहीं, लिसन बेटा, दिस इज एन इक्वेशन एंड व्हाट इज गिवन टू अस, वी हैव बीन गिवन दैट द ऑर्डिनेट इज 1.5 टाइम एब्सिसा, इट मींस वाई इज 1.5 टाइम एक्स। We have to determine the point. Huh? No, I want the values. Y key. 3. किसकी? वाई की 3 है, वो एक्स की बता रही है। एक्स की देखो इधर, वाई इज इक्वल टू 3/2x, इसमें पुट करो 2x प्लस 5 इंटू 3/2x इज इक्वल टू 19। एक्स टू आ गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वाई की निकाल लो 3/2 इंटू 2, वाई इज 3, सो व्हाट इज द पॉइंट, एक्स टू वाई, ओ हाँ दिव्यांशी कोई बात नहीं, बस थोड़ा नींद हुई है ना बेटा। So, such question can come, okay? Okay. X is equal to 2, Y is equal to 3 in the
इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. हरि अप, वेरी इजी. वंशिका चलिए बेटा, हरि अप. पी कम इन एक्टिव मोड. हाँ कोई आंसर नहीं बोलेगा भाई. बिल्कुल ठीक. पवन रू, तू तो इधर उधर देख रहा है. गलत है, दोबारा करो. नहीं, दोबारा कर अपने आप. देख कहाँ, कौन हेल्प करेगा बेटा. आपने अभी अपनी प्रैक्टिस बनानी है. डू इट सम सीरियसली. नो, द आंसर इज नो माइनस. नो नो, यस आंसर इज माइनस. आपका आंसर दीपांशी. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट टेल मी द आंसर. तो मास नीचे करके जरा बोल. नो, यस बेटा, पी की वैल्यू निकालनी है. हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो रिस्पॉन्स. पता नहीं बेटा, मैं तो कुछ सॉल्व करूंगी अभी आपके सामने. सो व्हाट, लेट अस सी. पी प्लस वन x की जगह 2 माइनस 2p प्लस 3 y की जगह 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट 2p प्लस 2 माइनस 6p माइनस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हाँ, तुम जैसों के लिए ही ऑप्शन माइनस 10 दे रखा होगा. तो आंसर आ गया, टिक किया 0. अंशिका कहाँ बेटा, कहाँ, क्या माइनस, ये बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ अगर प्लस होता फिर तू कर सकती थी 3 माइनस 1. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस. अगर ऐसे हो तो माइनस करते हो, पहले क्या करते हो, वही बात है. ठीक है, वही बात है, नंबर अब बाद में लिखा है. सो माइन, हाँ जी बच्चे, ये देखो बेटा माइनस 2p माइनस 3p. बेटा ये माइनस साइन भी तो है. ये लो 3 यहाँ ले लो, ये लो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस साइन भी तो हो रहा है, इसीलिए तो कंफ्यूजन होगी तुम्हें. माइनस इन्होंने आगे रहने दिया, नंबर इधर पीछे लिख दिया, बट ये माइनस साइन भी तो ब्रैकेट के साथ चल रहा है ना, इसलिए. आगे समझ. सो माइनस 4p माइनस 7 माइनस 8 माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, हाँ हाँ, वही बस थोड़ा ध्यान से करने वाला है. अदरवाइज बेटा जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर 40 MCQs विल बी देयर. ठीक है ना, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है, ध्यान से क्लासेस लगाई है, तो यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट. बट एवरी क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, कंसेप्ट सेम है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको ध्यान से करना है.
जल्दी नहीं मचानी, ओके। और ऐसे भी नहीं कि हाँ हम चीटिंग करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ये ऐसे ऐसे करके। बेटा मुझे क्या पता, दूर दूर ही बिठाएंगे। नहीं शीट ही मिलेगी आई थिंक। दिव्यांशी चुप रहो, पता नहीं कहाँ कौन कौन तुम्हें आके क्वेश्चन कर ले। अपनी मेहनत, अच्छा चलो मैंने कुछ नहीं बोलना, आगे चलो। तुम्हें कोई समझा सकता है तुम लोगों को? एबीसी पॉइंट्स गिवन है। अब देखो आपको लगता है कि ग्राफ प्लॉट करना नहीं आ सकता, ये देखो ए इज 20, बी इज 60 एंड सी इज 46 एंड द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज डैश। Then what you have to do for this? Yes, क्योंकि points अगर given है तो सीधा area triangle निकालते हैं, वो formula 10th में है। आपके level पे क्या है? What you have to do? Quickly in rough you have to plot the points and make the graph line join करके triangle बनेगा। Triangle से आपने निकालना area। Hurry up, why are you sitting free? Come on, wait. हाँ रुक जा नित्या 2 मिनट। बताती हूँ 14 किस कितना, यस 12। हाँ जी बेटा एरिया निकालना है आपका, गलत दिखाओ ग्राफ दिखाओ। लुक हियर ऑन द बोर्ड 20 1 x 2 y 0 60 1 2 3 4 5 6 आ गया पॉइंट 46 एक्स 4 1 2 3 4 5 6 वाई 6 ये बना हमारा ट्राइंगल, ठीक है। नाउ एरिया इज व्हाट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू व्हाट इज बेस 1 2 3 4 एंड हाइट कितनी है, हाइट 6 6 समझ आ गई। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे है ना, तो हाइट कितनी हो गई 6, सो एरिया इज 12 यूनिट स्क्वायर। ओके इफ देयर इज अ पॉइंट 4, 6 व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन ओरिजन, यस यस करो बेटा। अगर हम डिस्टेंस पूछे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वाई वाला, अगर वाई एक्सिस तो एक्स वाला नंबर, सॉरी बट ओरिजन से पूछे पॉइंट प्लॉट करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों यू आर नॉट गिविंग द रिस्पॉन्स, ओनली धीरेन इज रेजिंग द हैंड, नोबडी एल्स। अंडर रूट नो, अंडर रूट, मैंने पॉइंट गलत लिख दिया होगा। तो 4, 3 है,
चलो अंडर फिर फोर अंडर अच्छा यस लुक हियर ऑन द बोर्ड बेटा जिसको नहीं समझ आई वो समझ लो एक्स फोर है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री वाई कितना है थ्री सो हमारा पॉइंट है ये नाउ दिस इज द पॉइंट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन मींस ये सो वी कैन सी दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज फोर दिस इज थ्री वी वॉन्ट टू फाइंड दिस सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम Hypotenuse square is equal to 4 square plus 3 square. 16 plus 9, 25. So, h kitna aa gaya? 5. So, the distance of this point from the origin is 5. This is also one of the type which we have not discussed earlier. Okay, isi point ko lete hain. The perpendicular distance of this point from x-axis is? Yes, y wala coordinate. And from y-axis? Okay. Find the mirror image of this point along x-axis. Jaldi nahi karni hai. Along x-axis. Haan. Minus 4, 4, 4, 4. Ye hamara point hai. Along x-axis means idhar? 1, 2, 3. कितना ये बेटा एक्स एक्सिस इधर को आएगा उधर तो जिस एक्सिस के अलोंग करना उस एक्सिस के अलोंग फोल्ड कर देना उसको एक्स एक्सिस के मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे वाई एक्सिस में इधर ये देखो ना ये पेज है अगर आप इधर करोगे तो वाई एक्सिस की तरफ मुड़ जाओगे एक्स एक्सिस की तरफ कर रहे हैं जितना ऊपर उतना नीचे तो मतलब 4, -3 अगर एक्स एक्सिस वो जल्दी नहीं मचानी एकदम से कि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो होता क्या है वाई वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है बट आप प्लॉट करके देखो ना अगर तो ज्यादा उससे क्लैरिटी होती है कंफ्यूजन दूर हो जाती है अगर मैंने इस पॉइंट का सपोज क्वेश्चन आ जाए फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड द मिरर इमेज ऑफ दैट पॉइंट सपोज इट इज पॉइंट ए सी अंडर लिसन टू द क्वेश्चन The mirror image of point A along x-axis is point B. Find the mirror image of point B along y-axis. समझ आ गई? आपको सिर्फ ये point given है. The mirror image of point A along x-axis is point B. तो पहले B point तक पहुंचोगे. अब जो आपने answer देना है MCQ में वो किसका देना है? Mirror image of point B along y-axis. तो बी निकालना पड़ेगा वाई एक्सिस मीन्स इधर जितना बेटे इधर कितना है 1, 2, 3, 4 उतना ही इधर इधर गए एक्स माइनस फोर वाई माइनस थ्री जब वाई एक्सिस के अलोंग हमने मिरर इमेज देखी है तो वाई वाला सेम एक्स वाले का साइन चेंज हो जाएगा ठीक है दिव्यांशी समझ आई बात और कर Along the क्या क्वेश्चन है x एक्सिस नहीं ओरिजिन के अलोंग नहीं होता एक्सिस के अलोंग अगर क्वेश्चन है तो देखिए Two points having same abscissa. Just raise your hand. Two points having same abscissa. But different ordinate lie on. Sirf hand raise karna hai. X-axis, y-axis, parallel to x-axis. Parallel to y-axis. Two points having same abscissa but different ordinate. Yes, Renuka.
मैंने आपसे पूछना ही नहीं। सोचो बेटा, एक मिनट चुप रहो। टू पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा। हेलो, पेपर में नंबर ना ना आए बेटा। टू पॉइंट्स सेम एब्सिसा, थ्री को मतलब एब्सिसा सेम है, वाई जो मर्जी ले लो, जीरो वन फॉर प्लॉट करो, वन टू थ्री, एक्स थ्री वाई जीरो, एक्स वाई वन एक्स थ्री, वाई टू एक्स थ्री, इट विल बी पैरेलल टू वाई। एब्सिसा सेम है बेटा, थ्री जीरो थ्री वन थ्री टू, करता जा देख ले क्या आएगा। ओके, सो ऑल दिस क्वेश्चंस वी हैव डन अर्लियर, कर चुके हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू द रिवीजन योरसेल्फ एट योर ओन लेवल एंड अगेन, भूल जाती है चीजें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, असाइनमेंट लाया कोई? ठीक है, बेटा मैंने असाइनमेंट करवाई थी, थोड़े मुश्किल थे, कॉपी ले आती। हाँ ये अकेली आएगी भाई, हम तो नहीं आएंगे। सिर्फ पहले चैप्टर की हमने वैसे की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलो ओके 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 ओके, बिल्लियों की तरह लड़ती है। आप हाँ जी लक्ष्य हरी, आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक आधे जने का और आने, तो मैंने बुक बंद कर दिया। आंसर इज इन द बुक, शो मी। तूने तो सीधा ही थोड़ा सा तो लिखा कर, मुझे तो देख, वैसे सीधा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक ही लग रहा है, या बोला कौन ने? मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए। गलत है, गलत है, एक मिनट कॉमन लो, पूरे के नीचे है टू। हाँ जी देखो, प्रैक्टिस करो बेटा, ये तो इतना इजी सम है, ये भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग। लुक हियर ऑन द बोर्ड, रूट इज, ये सम ओवर कॉन्फिडेंस ले जाएगा तुम्हें किसी दिन। यस वंशी का आंसर आया, यस रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये हो गया आपका रूट थ्री माइनस वन स्क्वेयर, और नीचे आएगा थ्री माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब रूट थ्री स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर माइनस टू
थ्री इंटू वन नीचे टू, अब थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री ओवर टू, फोर माइनस टू रूट थ्री ओवर टू, टू कॉमन लेंगे, टू माइनस रूट थ्री ओवर टू ये कट गया, सो वी आर लेफ्ट विद a प्लस बी रूट थ्री इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू माइनस वन। हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सो वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन रैशनलाइजेशन ऑन मंडे बेटा, ठीक है? ओके, या ट्यूसडे, मंडे इज अ हॉलीडे, सो रिवाइज, यू हैव हॉलीडेज बेटा, चारों चैप्टर के एमसीक्यू अच्छे से करो, फाइंड फ्रॉम डिफरेंट बुक्स जो मैंने करवाए हैं, नेट से देखो एंड डू द प्रैक्टिस। हाँ धीरेन ने कुछ पूछना है, कब से आपके हाथ किया हुआ? हाँ जी धीरेन बेटा बोलो। मैम जो बड़े क्वेश्चंस है जो 3 या 4 मार्क्स के, वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं बेटा? ऐसे प्रूफ्स के जैसे कुछ भी कहीं से भी आ सकता है धीरेन, जैसे बहुत जैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्रूफ दिस, अब उसका एमसीक्यू नहीं बनेगा तो वो कहाँ से आएंगे? उसके बीच में से कोई कंसेप्ट पूछने तो यू नेवर नो, बट ये हमारी स्मार्टनेस है, हमने देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बीच में से कुछ आ सकता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन तो कैसे ही आएगा, है ना? ओके मैम, चलिए बेटा, टेक केयर।